अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीन अज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं देसी मुर्गी की कढ़ाई, बहुत मज़े की बनती है। इसको हमने कैसे बनाया है, इसके लिए आप रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं देसी मुर्गी की कढ़ाई। ये एक किलो गोश्त लिया है देसी मुर्गी का, इसके साथ कलेजी और दिल भी है। तो चले आज हम स्टार्ट लेते हैं देसी मुर्गी से। कि मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टमाटर, मीडियम साइज़ के हैं, 1 किलो गोश्त में। इसको मैं दो दो टुकड़े इसलिए करके डाल रही हूँ कि इसके जब छिलका है उसका आराम से उतर जाएगा, जब ये उबल जाएगा तो बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। ये 4 टमाटर हो गए, 2 मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, मैं यहीं रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह आप देख लें। 2 टमाटर इसके लिए बहुत है, मैं ये भी मोटे मोटे करके काट लूँगी, बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ये साथ साथ ही ये भी गल जाएंगे। ये उतना ही टाइम लेता है जितना कि हमारा गोश्त टाइम लेता है, बड़े का गोश्त जितना टाइम लेगा उतनी ही हमारी ये देसी मुर्गी टाइम लेगी। इसका टेस्ट उससे बहुत अच्छा होता है फार्मी मुर्गी से। सर्दियों में इसका सूप लिया जाता है क्योंकि ये गर्म होती है, गर्म होती है तो नज़ले ज़ुकाम बुखार से बहुत ज़्यादा सुकून देती है ये। तो चले अच्छा यहाँ देखें, यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई मिर्ची ली है और 1/2 टी स्पून मैंने ली है हल्दी, ये इसमें डाल देते हैं। और 1 टी स्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया है, ये इसमें डालते हैं। और इसमें मैं डालूँगी पानी, तकरीबन डालूंगी मैं इसमें 3 ग्लास। चले नाप के इसलिए डाल रही हूँ ताकि आइडिया रहे कि 1 किलो में कितना ये डालना है, आपको भी पता चल जाए। अच्छा बाकी ये 2-3 पत्ते छोटे छोटे हैं, ये तेज़पात ये डाल लिया हमने। इसको हल्का सा मिक्स करते हैं और पकने के लिए रखते हैं। जब ये उबलना शुरू होगा तो इसका टाइम मैं बिल्कुल नोट करूंगी और बाकायदा आपको बताऊंगी कि ये कितने टाइम में ये जो हमारा चिकन है ये गला है। तो इसको मैं ढक देती हूँ और चलती हूँ अपने लहसुन अदरक की तरफ। 10 से 15 जौवे जो हैं वो लहसुन के हैं और एक जो टुकड़ा था बड़ा तकरीबन 2 इंच का ये अदरक है, इसको मैं इसमें कूट लेती हूँ क्योंकि मैं इसमें फ्रेश इस्तेमाल करूँगी। फ्रेश का जो टेस्ट है वो कढ़ाई में बहुत अच्छा आएगा। और वैसे भी जितने मसाले अगर आप फ्रेश फ्रेश बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन ये खुद ब खुद ही पता चलता है। चलिए देखें ये बॉयल आना शुरू हो गया, लेकिन हमने इसमें लहसुन अदरक नहीं डाला था तो हम वो डाल देते हैं। देखें जो मैंने पीसा था वो कम से कम बड़ा वाला जो है टेबल स्पून एक बना है, तो ये हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा सा जो है वो हमारे इसमें भी है तो इसमें हम पानी डाल के इसको भी घुमा के उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वेस्ट ना हो। चलिए अब हम इसको ढकते हैं तकरीबन 45 मिनट के लिए, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि इसने एक्चुअल टाइम जो है वो कितना लिया। अच्छा जो चीज़ें हमें रोस्ट करनी हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है साबुत धनिया। ये 2-3 मैंने लिए है बड़ी इलायची, 2-3 छोटे छोटे पीस जो थे ये मैंने दालचीनी के लिए। और थोड़ा सा हमने लिया है ये काली मिर्ची और लौंग। इसको छोड़ के हम बाकी चीज़ें अपनी रोस्ट कर लेते हैं और बिल्कुल स्लो चूल्हे पे करेंगे, तेज़ नहीं। फ्लेम और स्लो कर देते हैं। रोस्ट करने से एक तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है बहुत अच्छा, दूसरे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कढ़ाई में से। अच्छा ये रोस्ट हो गया, देखिए कम से कम इसको लगे हैं 2.5 से 3 मिनट, तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब हम इसको करते हैं ठंडा, ठंडा हो जाए तो फिर हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो जो मैंने काली मिर्ची और लौंग रहने दिया था उसको मैंने नहीं किया था रोस्ट, वो भी मैंने साथ में डाल दिया। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। मसाला जो हमने पीसा है, अब वो मसाला जितना भी हमने पीसा वो सारा हम इसमें डालेंगे और इसको 2-3 मिनट तक और इसको भूनेंगे अच्छी तरह। अब हमने इसको भूनना है और उसके भूनने के लिए हम इसमें डालेंगे तेल और घी।
देखिए एक चम्मच में इसमें घी डाल रही हूँ, असली घी, और एक चम्मच ही जो है वो भर के मैंने डाला ऑयल। आप चाहें तो सिर्फ घी डाल लें या सिर्फ ऑयल डाल लें, जो आपको पसंद हो। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह भूनेंगे कम से कम 10 मिनट तक। तो 10 मिनट तक मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टाइम बताऊंगी कि कितने टाइम में गला है, तो इसने पूरा एक घंटा लिया है गलने में। ये फर्स्ट क्लास हो गया। तो चले मैं इसको 10 मिनट तक भूनती हूँ। इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी बनी है, और जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ज़्यादा ही इसका टेस्ट अच्छा होगा। और जो हमने भून के इसके अंदर ड्राई रोस्ट करके जो मसाला पीस के डाला है, और जो हमने लहसुन अदरक इसमें डाला था फ्रेश, उसकी वजह से इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। अच्छा देखिए अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, 5-6 मिनट हम इसको और भूनेंगे। ये जितना अच्छा भूनेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मसाले की बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये बनी है। ये कम से कम 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको भून लिया, ये बहुत अच्छे से भून गया, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया, चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। अब बारी है हम इसमें डालते हैं, हमने यह लिया तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है दही, वो डाल देते हैं इसमें। इसको जो है ये तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको इसमें को भी भूनेंगे। दही अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसमें रख सकते हो, फर्स्ट क्लास इसमें ग्रेवी है। आप नान के साथ खा सकते हो, आप रोटी के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप इसको सर्व कर सकते हो। अच्छा इसके टमाटर का जो छिलका था वो देखें मैंने साथ ही साथ इसके साथ मैं निकालती गई हूँ, इसलिए इसके अंदर अभी टमाटर के छिलके नहीं है, वो मैंने साथ साथ निकाल लिए। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करते हैं ताकि दही अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। 1 मिनट तक हम दही के साथ इसको भूनेंगे। नमक और मिर्च मैंने इसका टेस्ट किया था बिल्कुल सही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना आपको नमक और मिर्च चाहिए, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। चलें कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। देखिए जी कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, देसी मुर्गी की कढ़ाई। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन ये बहुत मज़े की बनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं, मेरी रेसिपी देख रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।